हेलो फ्रेंड्स, एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। ये वीडियो संडे स्पेशल रहेगी और इसमें आपको टेक न्यूज़ ही मिलेगी, पर ये संडे स्पेशल न्यूज़ है। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो पहली न्यूज़ रहेगी वो एप्पल से रिलेटेड रहेगी। एप्पल आने वाले 2020 के जो स्मार्टफोन हैं उनसे चार्जिंग पोर्ट हटाने जा रहा है और आपको एक फास्ट वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलेगी आईफोन में। आईफोन कुछ ना कुछ नया करते रहता है, तो आईफोन इस बार अपने 2020 में जो फ़ोन आने वाले हैं शायद उससे चार्जिंग पोर्ट को हटा देगा और आपको वहाँ पे वायरलेस चार्जिंग देखने को मिलेगी, जहाँ पे आप वायरलेस तरीके से अपने फ़ोन को चार्ज कर पाएंगे और वो भी काफ़ी जल्द से जल्द। और बाकी इस न्यूज़ का तभी पता चलेगा जब एप्पल अगले साल अपने आईफोन लॉन्च करेगा, उस आईफोन में चार्जिंग पोर्ट होता है या नहीं ये तभी देखने को मिलेगा। अगर नहीं होता है तो एप्पल की तरफ से एक नया इनोवेशन होगा जहाँ पे वो आपको वायरलेस तरीके से ही काफ़ी फास्ट और काफ़ी कम टाइम में आपका फ़ोन चार्ज करके दे देगा। इसी के साथ हमारी जो अगली न्यूज़ है वो आप गेमर्स के लिए है। अगर आप लोग गेम खेलते हो तो आपको कॉल ऑफ ड्यूटी गेम का नाम तो पता ही होगा। ये पिछले 2 से 2.5 मंथ में लगभग 170 से 172 मिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका है यूज़र्स द्वारा। तो आप देख सकते हो कि मात्र 2 से 2.5 मंथ में ही लगभग 170 से 172 मिलियन डाउनलोड्स। तो ये गेम्स शायद लोगों को बहुत पसंद आ रही है और लोग इसको काफ़ी खेल भी रहे हैं। अगर आप इस गेम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल के प्ले स्टोर और iOS के ऐप स्टोर पे जाके कॉल ऑफ ड्यूटी को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एक अच्छी गेम है और पबजी के बाद लगभग शायद दूसरी गेम होगी जो लगभग 170-172 मिलियन डाउनलोड्स मात्र 2 से 2.5 मंथ में ही इसके हो चुके हैं। अगली जो न्यूज़ रहेगी वो टेक से रिलेटेड नहीं है पर यूट्यूब से रिलेटेड है। यूट्यूब ने 2019 की रिवाइंड वीडियो जारी किए है जहाँ पे उन्होंने टॉप 10 जो म्यूज़िक है उसकी एक वीडियो लिस्ट जारी की है, जहाँ पे पीछे एक सॉन्ग आया था वास्ते वो टॉप 10 में लिस्टेड है। ये सॉन्ग तब भी काफ़ी पसंद आया था लोगों को और ये 2019 का ट्रेंडिंग सॉन्ग था। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ जो अगली न्यूज़ है वो वन प्लस से रिलेटेड है। वन प्लस एक मिड रेंज फ़ोन लाने जा रहा है जिसका नाम OnePlus 8 Lite होने वाला है और यह शायद OnePlus का पहला मिड रेंज फ़ोन होगा जो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। ये OnePlus लवर के लिए काफ़ी अच्छी बात है और जो OnePlus यूज़र्स हैं और जो OnePlus ख़रीदना चाहते हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है और ये फ़ोन शायद आपको बहुत ही जल्द मार्केट में देखने को मिल सकता है। और बाकी इस लीक्स के बारे में इसके लॉन्चिंग पे ही पता चलेगा कि ये किस प्राइस पे रहेगा, पर वन प्लस की तरफ से बताया गया है कि ये एक मिड रेंज का फ़ोन होगा और काफ़ी अच्छे स्पेक्स के साथ में आएगा। इसी के साथ जो अगली न्यूज़ है वो भी वन प्लस से ही रिलेटेड है। वन प्लस मेक इन इंडिया पे काफ़ी सारा इन्वेस्ट करने जा रहा है और एक और बड़ी खबर है कि वन प्लस अपना जो 5G स्मार्टफोन है उनको यहाँ से नॉर्थ अमेरिका में भी एक्सपोर्ट करने वाला है। ये एक बहुत ही बड़ी बात रहेगी भारत के लिए कि ये भारत से बाहर भी फ़ोन हर कंपनियां, यहाँ तक कि एप्पल भी मेड इन इंडिया को बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पे जो न्यूज़ आई है ये वन प्लस की तरफ से है कि वन प्लस अपने 5G फ़ोन जो इंडिया में बनाएगा मेड इन इंडिया फ़ोन उनको यहाँ से एक्सपोर्ट करके नॉर्थ अमेरिका ले जाएगा और वहाँ पे इसकी सेल करेगा। ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है और इस तरह काफ़ी सारी कंपनियों को आगे आना चाहिए और भारत से बाहर भी एक्सपोर्ट करना चाहिए फ़ोन को, ताकि अदर देशों में भी मेड इन इंडिया नाम के फ़ोन बिक सके और भारत के लिए बहुत बड़े गर्व की और बहुत बड़ी बात रहेगी। इसी के साथ जो अगली न्यूज़ है वो रेडमी K30 को लेके है। इसका एक हैंड्स ऑन वीडियो आया है जो आप देख सकते हो। इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे इसके जो फ्रंट और बैक जो Redmi K30 है किस तरह से रहेगा और बहुत ही जल्द ये लॉन्च होने वाला है। वैसे भी इंडिया में 10 दिसंबर को इसकी लॉन्चिंग रहेगी इंडिया में। काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में ये फ़ोन आ रहा है, 765G प्रोसेसर के साथ में 6.67 इंच की इसकी जो डिस्प्ले रहेगी, 45,000 mAh की इसकी जो बैटरी रहेगी। काफ़ी अच्छा फ़ोन रहेगा
और जिसका मेन कैमरा रहेगा वो 64 मेगापिक्सल का, और जिसमें सेंसर लगा होगा वो सोनी का IMX686 लगा होगा, और जिसका फ्रंट कैमरा रहेगा वो भी 20 मेगापिक्सल का रहेगा। इसकी जो लॉन्चिंग रहेगी वो 10 दिसंबर को है भारत में, बाकी आपको ये तब देखने को मिल जाएगा। हमारी ऐसी ही वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं अपनी वीडियो में देख रहा हूँ कि लाइक्स और व्यूज़ तो लगभग मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही है, पर वीडियो पे कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मेरी इस वीडियो पे भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, जैसा भी आपको लगता है आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे कुछ और पता चले कि मेरी इस वीडियो में क्या कमी है, क्या मुझे करना चाहिए, क्या आप लोगों को पसंद है, क्या आप लोगों को देखना है, किस फ़ोन का रिव्यू चाहिए, किस फ़ोन का, किस एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको कोई दिक्कत है, जो भी आपको टैक्स से रिलेटेड दिक्कत है, परेशानी है, आप मुझे शेयर करो, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा और सब आप सभी के ही जितने भी सवाल रहेंगे उन सबका जवाब दूंगा। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी इस वीडियो को, और बहुत ज़्यादा कमेंट करें मेरी वीडियो पे। आपके इसी प्यार से मेरा ये चैनल आगे चलेगा, और आपका ही प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।